हेलो सत्या सुरेंद्र सिंह फ्रॉम दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टर्बन एक्सप्लोरर। सो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स ऋषिकेश। मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि ये एक सरप्राइज कमिंग सून है, वो सरप्राइज़ अब मतलब अगले व्लॉग में आप लोगों को पता लग जाएगा कि वो क्या सरप्राइज़ था। सो हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश, शायद आप लोग कनेक्ट कर जाएँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो अब हमारी ट्रेन है 12 बजे की। हमारे बैग ये देख सकते हैं, हमारे बैग, एक ये मेरा बैग, ये मनप्रीत भाई का बैग। सो मेरे साथ आज जा रहे हैं मेरा भाई मनप्रीत और ये सत्यम। सो ये दोनों जा रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ, वो रेलवे स्टेशन पर सीधा पहुंच जाएंगे। सो देन वहां जाकर आप लोगों को मिलवाएंगे उन लोगों से। सो स्वप्निल भाई आ रहा है, वो हमारे हमें छोड़ देगा रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि फिर यहाँ से ऑटो वगैरह तो इतना हमें कन्वीनियंट नहीं लगा। सो देन हमने क्या कि भाई हमको ड्रॉप कर देना वहाँ पर। सो देखते हैं आगे कैसा रहता है हमारा ट्रिप, और आप लोग बने रहिए हमारे ट्रिप के साथ। स्वप्निल भाई ये पहुँच चुके थे हमको पिक करने के लिए, ये आ चुके हैं। स्वप्निल कैसे हो भाई? सत श्री अकाल बहु भैया जी। सो हम लोग पहुँच चुके हैं, आप रेलवे स्टेशन के बाहर ही खड़े थे, और ये देखिए ये हमारा बॉडी बिल्डर डॉला, देखो आप दिया डोले का रोल है। सो अब रेलवे स्टेशन में एंटर करने लगे हैं, 12 बजे की ट्रेन है। सो टाइम पास कर रहे थे, मिलते हैं आपको लोगों को ट्रेन आने पर, और भाई लोगों से मिलाते हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं। हैशटैग छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? मैं भी आऊंगी साथ में। ये भी आएगी। सो मिलते हैं आगे। पहुँच चुके हैं हम लोग रेलवे स्टेशन पर, और हमारी ट्रेन लगभग आने वाली है। 11:40 तो हो गए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। मैं दिखा पहुँच चुके हैं हम लोग समराला स्टेशन पर पहुँचे थे। सो लुधियाना स्टेशन पर थोड़ी सी ट्रबल हो गई थी, क्योंकि हमारी टिकट्स कंफर्म नहीं थी, तीन टिकट्स कंफर्म नहीं थी, मेरी और मनप्रीत की, हम दोनों की टिकट कंफर्म थी। पर ये अच्छा हो गया कि हम जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथ ट्रैवल कर सकते थे। सो इस ये वजह से हमारा ठीक हो गया। थोड़ी ट्रबल होने की वजह से मैं वहाँ शॉट नहीं ले सका। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार बता दूं कि हम लोग चल चुके हैं लुधियाना से, समराला स्टेशन पर थे। यहाँ से गाड़ी चंडीगढ़ जाएगी पहले, चंडीगढ़ से देन ऋषिकेश की तरफ। सो सरप्राइज़ कमिंग सून है ब्रदर्स, सरप्राइज़ कमिंग सून है। सो मिलते हैं आगे, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र ओवरऑल। अब तक तो ठीक है, सभी भाई लोग हम लोगों को मिल चुके थे। सो मिलते हैं आगे, अब सुबह मिलेंगे, क्योंकि अंदर ट्रेन में तो मैं व्लॉग कर नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ी ऑब्जेक्शन करते हैं। सो मैं अंदर व्लॉग नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बाहर आया आपको बताने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं समराला स्टेशन। सो मिलते हैं आप सुबह होने पर, ऋषिकेश पहुंचने पर। सो मिलाता हूँ बाकी सब लोगों से, तो मिलते हैं सुबह। फाइनली गाइस, सो हियर वी आर एट ऋषिकेश। सो हम लोग पहुँच चुके हैं ऋषिकेश स्टेशन पर, और उतरने की तैयारी में थे। और दिखाता हूँ मैं आपको स्टेशन, और अब मैं बताता हूँ हम आगे कहाँ पर जा रहे हैं। आगे हम जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ, यहाँ से बस पकड़ेंगे सोनप्रयाग की। सो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, मतलब धूप इतनी, मतलब गर्मी तो नहीं लग रही, ठीक है, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पर। ये देख सकते हैं मेरे पीछे सारा स्टेशन, और मैं ये देखिए गाइस ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन, और ये देखिए सामने थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ दिख रही होंगी आप लोगों को। सो काफ़ी एक्साइटेड हैं हम लोग, क्योंकि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, और कह सकते हैं ये यूथ अट्रैक्शन है इस टाइम पर केदारनाथ। सो मैंने सोचा कि ये मेरा भी ड्रीम ट्रिप था, इसलिए हमने किया कि ये ट्रिप जल्दी से जल्दी करें, और कमिंग सून मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तब थोड़ा सा प्लान पक्का नहीं था। सो सभी भाई लोग तैयार हैं, और अब आगे की ट्रेन पकड़ेंगे। ए भाई, इनसे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, विवेक भाई हैं। सो ये भी साथ आए थे, ये हमारा सारा ग्रुप है, और दो तीन जाने और हैं आगे हैं सारे। सो दो तीन जाने और हैं, वो आगे वो बस से आए थे, क्योंकि उनके टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी, कंफर्म हमारी भी नहीं थी, पर हमारे साथ ट्रैवल कर सकते थे, और उनकी बिल्कुल कंफर्म नहीं हुई, कोई भी कंफर्म नहीं हुई। सो इसलिए वो बस से आए हैं, वो अभी बस स्टेशन पर हैं, आप बस स्टेशन जाएंगे, खाएंगे कुछ, देखें। रेलवे स्टेशन से बाहर निकले ऋषिकेश से, तो अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं। ये देखिए हम लोग ऑटो में बैठे थे, ये देखिए ये पूरे कंजस्टेड होए पड़े, एक बंदा हमारा आगे बैठा है। सो देखते हैं बस स्टैंड पर कुछ खाते हैं, और दो भाई लोग वहाँ पर खड़े हैं उनको मिलते हैं। सो आगे मिलते हैं।
पहुंच चुके हैं हम लोग बस स्टेशन पर, और यहाँ से पूछते हैं अब ट्रेन कितने बजे की है। बसें खड़ी, ओ सॉरी, बस स्टेशन पर ट्रेन की बात कर रहा हूँ, सॉरी, बस कितने बजे की है पूछते हैं अब यहाँ काउंटर पर। देखते हैं, शायद अगर अभी की मिल जाए तो निकल जाएंगे हम लोग जल्दी से जल्दी, जितना हो सके जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे। और सभी अब घर पर बातें करने लग रहे हैं, ये भी घर पर बात कर रहा है, ये भी। सो मिलते हैं आगे, देखते हैं। बस स्टैंड तो आ चुके थे, पर यहाँ पर एक थोड़ी सी ट्रबल हो गई है कि अब बस कोई मिल नहीं रही। बस यहाँ से सुबह की है सारी, 3 बजे 4 बजे, अब तो 9 बज चुके हैं। सो बस तो कोई नहीं है, अभी टैक्सी बुक करने पड़ेगी। टैक्सी का हमें खर्चा बता रहे हैं, क्योंकि टैक्सी छोटी टैक्सी है, सभी के पास स्विफ्ट डिज़ायर जैसे गाड़ी है, छोटी टैक्सी हैं, उनका किराया ये बता रहे हैं 8160। सो देखते हैं क्या करते हैं आगे, बाकी आगे जाकर पता लगेगा कि कैसा होता है। वैसे मैं कर रहा हूँ कि बस मिल जाती तो अच्छा होता, क्योंकि वो थोड़ा सा बजट में आ जाता हमारे, पर अफसोस की बात नहीं मिली हमको बस। तो देखते हैं क्या बनता है, आप लोगों को आगे इन्फॉर्म करते हैं। जैसा मैंने बताया था, भाई लोग आगे थे, मानव भाई और विवेक भाई। सो हम लोग अब जा रहे हैं, भाई बता रहे हैं कि उधर से दूसरे बस स्टैंड से बस मिल रही है। सो देखते हैं, अगर बस हुई तो उस बस से हम लोग जाएंगे सोनप्रयाग की तरफ। तो मिलते हैं। अगर आप जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ तो अपनी रजिस्ट्रेशन करके आए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आए, नहीं तो ये आप लोग भीड़ देख सकते हैं, ये पीछे सारी भीड़ रजिस्ट्रेशन की है, ये सारी भीड़ रजिस्ट्रेशन कराने की है। सो आप श्योर करें कि रजिस्ट्रेशन करा कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइनें हैं। सो हमारे 3 लोगों की रहती थी रजिस्ट्रेशन, सो हमारी हो चुकी है, वो लगे हैं हमारे 3 बंदे, ये 3 बंदे लगे हुए हैं हमारे। सो वो कराने गए हैं, गाड़ी हमारी आ चुकी थी, मैं गाड़ी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये आ चुकी थी हमारी गाड़ी आ चुकी थी, और निकलेंगे बस। भाई सत्यम भाई और नेहा ATM पर पैसे निकलवाने गए हैं, थोड़ा पंजाबी टच आ जाता है। सो मिलते हैं आगे, जर्नी दिखाते हैं, काफ़ी सुंदर रास्ता होगा। काफ़ी देर से बंद था केदारनाथ, और 2 साल के बाद खुला है, और सीज़न काफ़ी पीक जा रहा है, शुरुआत में ही इतना पीक जा रहा है जो जून जुलाई में होता था। सो मिलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को भी, दर्शन कराएंगे। सो काफ़ी एक्साइटेड हैं हम लोग, और क्योंकि एक फील होते हैं ड्रीम्स कम ट्रू वाली, वो आज फील आ रही है हमारी हमको। सो ये वाटरमेलन लेकर आए थे, और ये देखो कैसे खाने पड़ रहे हैं, दिखाना, ये देखो माचिस की तीली से खाना पड़ रहा है, इतना माड़ा टाइम आ गया, माचिस की तीली से खाना पड़ रहा है वाटरमेलन, ये देखिए। ऋषिकेश बस स्टैंड से निकल गए थे सोनप्रयाग के लिए, टैक्सी हमको मिल गई थी, ये हमको पड़ी 8500 की। सो अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सोनप्रयाग, लग जाएंगे 5-6 घंटे लग जाएंगे, और ये हम सारे बैठे हैं ये टैक्सी में, मैं पीछे, भाई मेरे साथ साहिल, और विवेक भाई और मनप्रीत भाई, सभी हम 4 पीछे बैठे थे, बाकी 9 लोग हैं हम, 4 जाने आगे, एक हमारा आगे, लकी भाई आगे बैठे हैं। सो मिलते हैं आगे, और सही बात है, महाराजे पीछे बैठे हैं खुले होकर, बंदे मेरे ही जगह थे, ऐसा ही है, मैंने सिक्योरिटी बंदी है। देवप्रयाग से थोड़ी दूरी पर हैं हम, 3 धारा पहुंच चुके हैं, और यहां पर हम खाने लगे हैं, नेगी भोजनालय पर खाना खाने लगे हैं अभी। काफ़ी मतलब ड्राइवर को कही गए कि रोक ले, पर काफ़ी दूर आकर रोका। सो काफ़ी सफ़र तय कर लिया, थोड़ा सा कितना रह गया भाई, कितना, ये हमारे ड्राइवर भाई हैं विक्की भाई। सो जहाँ से 150 किलोमीटर रह गया है सोनप्रयाग, सो आगे मिलते हैं आप लोगों को सोनप्रयाग जाकर। बीच काफ़ी अच्छा रास्ता बना हुआ है, रोड्स काफ़ी अच्छी हैं यहाँ की, रोड्स मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छी बनी हुई, कोई पैच नहीं है कोई जो खराब हो। की खाना वे पहला की खाना दस, ये बंदा बता ही नहीं रहा क्या खाना है, क्या खाएगा, क्या खाएगा, थाली, कौन सी थाली, ले इसमें फुद्दू वाली क्या बात है। यहाँ पर काफी गहरी डिस्कशन चल रही है, क्या खाएं क्या खाएं, हमने ओ क्या फास्ट सर्विस है भाई। सो थाली आ चुकी है यहाँ पर, कहीं क्या क्या है, ये क्या है, दाल है, सब्जी है, कड़ी है, और ये प्याजों के साथ खीरे का अचार है,
ये कौन सा चार हुआ? ये खीरे का चार है यार, और मिर्चा भी है। ओए ये भी मिर्चें, ये देखो पूरी कोली में। ओए ये रुखी रोटी ले आया है भाई, घी तो लगा देता यार। अब पूरी कोली में लगा दे, 10 रुपए दूंगा, चैलेंज है, चैलेंज। 10 रुपए के पीछे मैं इतना सारा खा जाऊं यार? 500 300 सब्सक्राइबर आ गए, 500 भाई रहने दो, 500 के पीछे अपना मैं क्यों जलाऊं? खा तो जाऊंगा, बाद में सुबह पता चलेगा ना मेरे को। मैं भी मंगाने लगा हूँ अब थाली। सो मिलते हैं। उत्तरी और केदार बद्री आपस में संगम होता है जहाँ पर, वहाँ उस पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं। आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से। ये देखिए जो ये नदी है, ये गंगोत्री, यमुनोत्री और गंगोत्री इधर से आ रही है, और ये आ रही है केदार बद्री। ये दोनों मिलकर अब हरिद्वार गंगा बना रही। ये वो पॉइंट है, ये देव प्रयाग का चारों धाम। ये भाई आपको बताएंगे ये क्या है। ये चारों धाम का जो पानी है एक जगह समेल कर रहा है, एक जगह संगम हो रहा है इनका। सो ये आगे हरिद्वार गंगा बन रही है। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। रुद्रप्रयाग पहुँच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पर शुरू हो चुकी है बारिश। आप लोग देख सकते हैं बारिश अभी, मतलब देख नहीं पा रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी ये देखिए अब दिख रही है यहाँ पर, ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप लोग। ये आई थिंक ये मंदाकिनी है या गंगोत्री है, मेरे को एक्चुअल में अभी पता नहीं। यहाँ से लगभग 69 या 70 किलोमीटर रह गया है रुद्रप्रयाग। यहाँ से 69 या 70 किलोमीटर रह गया है सोनप्रयाग, और हम लोग पहुँच जाएंगे 2-2.5 घंटे में यहाँ से पहुँच जाएंगे हम लोग। और काफ़ी इन्जॉय किया हमने ये रोड ट्रिप। कल हम लोग ट्रैकिंग शुरू कर देंगे केदारनाथ की, और अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे ट्रैकिंग केदारनाथ की तरफ जब जाते हुए। मिलते हैं आगे, और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। ये देखिएगा सूरज है थोड़ा है, यही देख सकते हैं आप लोग, ये रहा सूरज। मतलब गर्मी नहीं लग रही, ठीक है वेदर, ऑलमोस्ट ठीक है। ये भाई ऊपर लगेज बांध रहे हैं, और ये देखो पैसे बचाने का तरीका, या बॉटल्स ले लीजिए एक बार लेकर, पानी लगभग आता ही रहता है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आप लोगों, सो यहाँ से। इत्थे कैसा दे, छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? सो वेदर बहुत अच्छा है अब। ये देखिए कौन सा ब्रांड देखिए इसका, ब्रांड ये देखिए। एक और बात है कि जो लोग, ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये जो ऐसे फेंक देते हैं ना, ये काफ़ी, ये देख सकते हैं, ये मत फेंका करें क्योंकि ये सही नहीं लगता। इतनी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस को ऐसे गंदा ना करें। मैं देख रहा था काफ़ी बार बस से बाहर फेंक देते हैं, जो खाया फ्रूटी का वो डिब्बा होता है, पिया फ्रूटी देन बाहर फेंक दिया, लेज कुरकुरे वगैरह जो भी स्नैक्स वगैरह खाए बाहर फेंक देते हैं। वो बाहर मत फेंकिए, एक लिफाफे में डालकर जहाँ डस्टबिन मिलता है वहाँ पर थ्रो कर दीजिए, वो ठीक रहता है। क्योंकि ऐसे गंदा मत करें किसी प्लेस को, बहुत सुंदर प्लेस है, इसलिए प्लीज़ क्लीन रखें इस सबको। लोग पहुँच चुके थे सोनप्रयाग के बिल्कुल पास, 40 किलोमीटर है यहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, जाम काफ़ी लंबा है, कम से कम हमको आधा घंटा हो गया है जाम में खड़े हुए, और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए काफ़ी लंबा जाम है, यहाँ से ये सारा वो वहाँ तक मेरे को दिख रहा है जाम। ये सारा पीछे तक वो देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी लंबा जाम है, पर टाइम लग जाएगा, रात ही हो जाएगी, अब तो 7-8 लगभग बज जाएंगे, पर वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पर। वेदर मीन्स यहाँ धूप नहीं है। ये साथ में नदी चल रही है, काफ़ी सुंदर लग रही है ये, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आप देखते हैं टाइम कितना लगेगा, ये हमारी गाड़ी। आगे मिलते हैं। अब तो हम लोग थक चुके हैं काफ़ी, अब तो बुरा हाल हो गया है हमारा। आप लोग देख सकते हैं मुंह से नींद चढ़ी हुई है, 2 दिन के लगभग सोए नहीं हम लोग। वो भाई मनप्रीत तो दिल्ली गया हुआ था, वो बिल्कुल भी नहीं सोया 2 दिन, और हम तो बस घूम ही जा रहे हैं ऐसी तैयारी करते करते, हमको पता ही नहीं लगा, वो घूमते रहे नींद आ ही नहीं रही, एक्साइटमेंट में ही नहीं नींद आई असल में, क्या करें अब, एक्साइटमेंट ही इतनी थी क्योंकि इतना बड़ा ट्रिप, और इतना लंबा ट्रिप अब तक का हमारा पहला है, क्योंकि 10 दिन घर से बाहर
घर वाले भी नहीं रहने देते थे, पहली बार परमिशन मिल गई कि जाओ घूमाओ, कोई बात नहीं है ना, यूट्यूब की वजह से, ऑल थैंक्स टू यूट्यूब, जितना का है अभी चल रहा है मेरा। सो आगे मिलते हैं, पर देखते हैं, टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, अब तो चलने के चलते चलते जाएंगे, अब देखते हैं। बाकी लोग गाड़ी में बैठे थे, हम मेरा थोड़ा सफोकेशन हो रही थी गाड़ी में बैठे बैठे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं बाहर, क्या करें अब, सोए भी नींद नहीं आती गाड़ी में, बैक सीट्स पर तो काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। सो मिलते हैं, बुरा हाल, अब हिंदी बुरा हाल ही होगा, हाँ बुरा हाल हो जाता है। सो देखते हैं आगे क्या बनता है, अभी काफ़ी यार अब तो पहुंच जाएं, बस सो जाएं, आज की रात अगर मतलब नींद पूरी हो जाए, क्योंकि कल ट्रैकिंग करनी है, ट्रैकिंग के बाद थोड़ी सी मुश्किल होगी अगर नींद ना पूरी हुई। Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mister ES, that's the part you always show, 'cause you're too यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक हो रही है, तो इसलिए काफ़ी लंबी लाइन थी यहाँ पर। सो जाम लगा होता काफ़ी, इसलिए रजिस्ट्रेशन, यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करा कराइए, अपनी ऑनलाइन करा कराइए। ऑनलाइन एक वेबसाइट है, वो मैं इस यहाँ वीडियो में डाल दूँगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा कर और देन आप यात्रा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्यों उसी डेट्स की कराना, आगे पीछे डेट्स, ज़्यादा आगे पीछे डेट्स मत कर लेना। सो अगर नहीं है आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर हो जाती है, ऋषिकेश से अगर आ रहे हैं ऋषिकेश बस स्टैंड पर भी हो जाती है। सो ज़्यादा अच्छा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर ही आएँ, क्योंकि कई बार काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि काफ़ी यात्री इस बार आ रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, इसलिए आप ऑनलाइन करके आएँ, मेरी रिकमेंडेशन ये है। सो हमारी रजिस्ट्रेशन सभी लोगों की, तीन लोगों की रहती थी, वो हमने ऋषिकेश बस स्टैंड पर करा ली थी, अब बाकी जो लोग हैं सभी की रजिस्ट्रेशन हुई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। सो मिलते हैं आप लोगों को, बस थोड़ी गाड़ी हमारी थोड़ी सी पीछे रह गई है, बस वो आज का सफ़र तो काफ़ी लंबा हो गया, अब 10 किलोमीटर पीछे थे सोनप्रयाग से, पर फिर से वही बात, जाम। ये देखिए पीछे बैरिकेड लगे हुए हैं, ये सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ये देखिए पीछे फिर से जाम लगा हुआ है, हमें रोक दिया, काफ़ी पीछे खड़ी है हमारी गाड़ी, और हम लोग चलकर आए थे देखने के लिए कि क्या बात है, पर आगे तो सारा रोड खाली है, आगे सारा रोड खुला हुआ है, आने वाले जो हैं वो आ रहे हैं, जाने वालों के लिए नहीं खोला अभी, शायद ऊपर कहीं पर आगे भी जाम लगा होगा। सो देखते हैं कितनी देर तक यहाँ से निकलते हैं, अभी कोई हिम्मत नहीं है अभी कुछ करने की, अभी सिर्फ जाकर सो जाएं, क्योंकि कल ट्रैकिंग शुरू करनी है, ट्रैकिंग के लिए एनर्जी काफ़ी चाहिए, पर एनर्जी अब बिल्कुल डाउन हो गई है, ऐसे लग रहा है कि बुखार हो जाएगा। सो देखते हैं कैसा रहता है, अब वैसे ठीक है ओवरऑल अभी तक तो, चलो कोई ना, ये तो चलता रहता है, अप एंड डाउन आते रहते हैं रोड ट्रिप में। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे सोनप्रयाग में, अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, हमने होटल बुक किया, लगभग 11 बेड हैं और होटल हमको पड़ा वो 7,000 रुपये में। सो अब चले जा रहे हैं होटल की तरफ, गाड़ी पहले हमने आगे ले ली थी क्योंकि हमें पता नहीं था,
सो थोड़ा अंधेरा आ रहा है, मैं आगे जाकर आपसे बात करता हूँ, सो मिलते हैं आगे। होटल में पहुँच चुके थे, 1 किलोमीटर चलने के बाद एक परी होटल पीछे बुक कर दिया, सो चलकर पीछे आना पड़ा और हम लोग पहुँच चुके। सॉरी अगर डिस्टर्बेंस हो रही हो क्योंकि जनरेटर चल रहा है, लाइट यहाँ पर नहीं थी, सो जनरेटर चलाया हुआ है होटल वालों ने, सो उसकी आवाज़ थोड़ी सी आ रही होगी। और अब हम सुबह निकलेंगे केदारनाथ की तरफ, सो अगले ब्लॉग में आप लोग देखना केदारनाथ का ट्रिप कैसा रहता है ओवरऑल। हम लोग मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर। सो अगला ब्लॉग आ रहा है जल्दी, सो आप देखना एक इंटरेस्टिंग थिंग, आपकी मनपसंद जगह केदारनाथ, तो अगले ब्लॉग में। सो बाय, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।